हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट, आपको पता है हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिक मेथड, बुक न्यूमेरिक मेथड का हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। है साइमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन में चार पढ़े थे, न्यूटन रैप्सन, रेगुला फालसी, सीकेंड एंड बाइसेक्शन। ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, इसमें हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें हमने कितने मेथड पढ़ने हैं, 5, गोज एलिमिनेशन, गोज जॉर्डन, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, क्लोज की डिकम्पोजिशन मेथड विद क्राउट मेथड। हमने इस चैप्टर में 5 मेथड पढ़ने हैं। हमें इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझने से पहले इसके क्वेश्चन समझेंगे तो हमें कंसेप्ट समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अब स्टूडेंट, आपने 11th 12th क्लास में मैट्रिक्स करा है और बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में भी आपने मैट्रिक्स बुक पढ़ी है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो किसके बराबर होती है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए उसमें क्या होता है, आई जे वैल्यू, मतलब यहां पर a11 एलिमेंट, a12 एलिमेंट, a13 एलिमेंट, x जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी होती है, b उसके अलोंग जो वैल्यू गिवन होती है, b1 b2 अपसो bm, bm के लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे इनफाइनाइट तक वैल्यू होगी इसलिए। अब यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब मेरा b भी 0 के बराबर हो और मेरा a भी 0 के बराबर हो तो वहां पर कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर मेरा b 0 के बराबर है लेकिन मेरा जो a का डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन x इक्वल 0 के लिए क्या होगा, एक यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर मेरा b भी 0 के इक्वल नहीं है, a भी मतलब डिटर्मिनेंट a का 0 के इक्वल नहीं है, तो उस सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या पढ़ा, अगर b मेरा ये b 0 के बराबर है साथ के साथ उसका डिटर्मिनेंट a का जिस चीज को हम सॉल्व करेंगे वो 0 के बराबर है, तो उसके पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट ट्रिविया सॉल्यूशन। अगर b मेरा 0 के बराबर है, a 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, तो उसका एक ही ओनली यूनिक ट्रिविया सॉल्यूशन होगा जिसमें x इसके बराबर होगा 0 के। ना ही b 0 के इक्वल है, ना ही डिटर्मिनेंट a 0 के इक्वल है, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है गोज एलिमिनेशन मेथड। तो गोज एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें 3 इक्वेशन होगी गिवन होगी, तो यहाँ पर मुझे इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक मेथड होगा गोज, उससे जो एलिमेंट्स है एक्स के एलिमेंट्स है कोफिशिएंट, उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं किसके एलिमेंट को एलिमिनेट कराऊंगी, x1 के एलिमेंट को, उसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन लूंगी, 1 और 2। जब मैं 1 और 2 में से किसको एलिमिनेट कराऊंगी, x को, तो उस x को मैं क्या नाम दूंगी, r1। तो r1 में x की वैल्यू क्या है, क्या लेके चलूंगी, a21 by a11। जब मैं a21 और a11 को डिफाइन करूंगी, मतलब a11 क्या है कोफिशियंट ऑफ x1 और a21 क्या है कोफिशियंट ऑफ x1, कोफिशियंट ऑफ x1 a21 किसका है, इक्वेशन 2 का, और यहाँ किसका है, इक्वेशन 1 का। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ से मुझे r1 की वैल्यू मिल जाएगी, जहां यहाँ पर जो भी r1 का कोफिशियंट आएगा, सबसे पहले मैं किसमें से एलिमिनेट कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में से जो भी r1 का कोफिशियंट आएगा उसको मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। यहां से मेरा x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, x1 को एलिमिनेट करूंगी, पहले मैंने कौन सी इक्वेशन ली थी, फर्स्ट एंड सेकंड, अब मैं कौन सी इक्वेशन लूंगी, फर्स्ट एंड थर्ड। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से r2, जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है वो किसके बराबर होगा, r2 के बराबर होगा, तो r2 में थर्ड इक्वेशन का प्लस फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशियंट लेने हैं, तो थर्ड का कोफिशियंट x1 इन थर्ड इक्वेशन, a11 का मतलब है कि x का कोफिशियंट इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी, इसके बाद जो भी r2 की वैल्यू आएगी उसको मैं क्या करूंगी, उस वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ, ताकि वी एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट कर दे, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब यहां से 2 इक्वेशन में से x की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, जो इक्वेशन मेरी यहां पर बनेगी जब एलिमिनेट x होगा उसको मैं 4 नाम दूंगी, जो यहां पर एलिमिनेट होगा उसको मैं इक्वेशन 5 नाम दूंगी। 4 और 5 की हेल्प से जो मेरा नेक्स्ट बनेगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, उन दोनों की हेल्प से मेरा एक r3 बनेगा। r3 के लिए मैं क्या लेके चलूंगी,
पी मानूंगी उसको पी थ्री टू डिवाइड बाई पी थ्री टू, तो सेवन्थ और सिक्स इक्वेशन जो इन दोनों को सॉल्व करने से आएगी उनसे एलिमिनेट कराऊंगी, जो वैल्यू आएगी अगेन मैं क्या करूंगी सिक्स की वैल्यू में मल्टीप्लाई करवाऊंगी क्या कोफिशियंट ऑफ, किसका कोफिशियंट करवाऊंगी आर थ्री का। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी मेरी एलिमिनेट होगी उससे मैं क्या निकालूंगी एक्स वाई और जेड या फिर एक्स वन एक्स टू या फिर एक्स थ्री की वैल्यू को, क्योंकि क्वेश्चन यहां तो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो यहां हमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मिलेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हमें क्या वैल्यू दिखाई देगी एक्स वाई एंड जेड। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम में कितनी बार आएगा, पहला क्वेश्चन है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया, इस इक्वेशन को नाम दिया वन, इसको टू और इसको थ्री। रूल क्या था, हमें पहले क्या लेना है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, उनके कोफिशियंट को क्या करवाना है डिवाइड। तो फर्स्ट एलिमिनेट फ्रॉम एक्स वन एंड टू ले लिया, उसको मैं क्या नाम दूंगी आर वन, आर वन मैंने नाम दे दिया। कोफिशियंट टू का क्या है यहाँ पर फोर है और कोफिशियंट वन का क्या है यहाँ पर टू है। जब मैंने आर वन को सोल्व किया तो आर वन की वैल्यू क्या आई टू, मैंने क्या बताया था जो आर वन की वैल्यू होगी हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसमें आर इक्वेशन नंबर वन में, किसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर वन में, और उसमें से फिर इक्वेशन नंबर टू को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन वन क्या बन गई, यहां से इक्वेशन वन कौन सी है 4x प्लस 11 वाई माइनस जेड, ये तो एज इट इज रहेगी, जो कोफिशियंट आया आर वन का उसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 टू जा 4, 2y प्लस 8 जेड इज इक्वल्स टू सेम, यहाँ पे 33 रहेगा। इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई करवानी है हमें 2 की, तो 2 मल्टीप्लाई 12। जब मैं इसको सोल्व करूंगी देखो ये क्या बन गया 4x प्लस 11y माइनस जेड माइनस 4x माइनस 2y माइनस 8 जेड। ठीक है, किसके इक्वल आया 33 माइनस 12 टू जा 24, 4x से 4x कैंसिल, 11 में से 2 गया 9y आ गया, माइनस जेड माइनस 8 जेड माइनस 9 जेड आ गया, 33 में से 24 को काटूंगी तो 9। अब देखो तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है कैंसिल, तो क्या बचेगा y माइनस जेड इक्वल 1, जो ये इक्वेशन आएगी उसको मैं क्या नाम दूंगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मैंने R1 की वैल्यू क्या निकाल के जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से X को एलिमिनेट कर दिया, अब मैं कौन सी इक्वेशन लूंगी इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 एंड 3 की हेल्प से मैं क्या करूंगी एलिमिनेट करवाऊंगी X को। थर्ड इक्वेशन मेरी ये रही, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो 8 को किससे डिवाइड करूंगी 2 से, क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट है थर्ड है उसमें जो एक्स के कोफिशियंट है हमें उनको क्या करवाना है डिवाइड करवाना है, तो 8 डिवाइड बाय 2 को मेरा 4 आ गया। फिर मैं क्या करूंगी 4 की वैल्यू क्या आई है R2 के लिए आई है, R2 में मैं क्या करवाऊंगी मल्टीप्लाई करवाऊंगी किसको इक्वेशन नंबर 1 को, और इस इक्वेशन 1 को मैं माइनस करवाऊंगी किससे इक्वेशन नंबर 3 में से, तो इक्वेशन 3 मेरी ये रही 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 20, मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू 20 ले लिया। अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 12, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी 4 से, 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, वही सेम करेंगे हम 8x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 8x माइनस 4y माइनस 16z इज इक्वल टू 20 माइनस 12 टू जा 12 फोर जा 48 ले लिया मैंने। अब देखो 8x से 8x कैंसिल, माइनस 3y माइनस 4y 7y बन गया, यहां से 2 और 16 में से 2 गया 14z आ गया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने सब में से और 7 के टेबल में तीनों आ रहे हैं तो कॉमन निकाल के कैंसिल करा, तो मेरी फिफ्थ इक्वेशन क्या बनी यहाँ पर y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब मेरा फर्स्ट इक्वेशन में से और थर्ड इक्वेशन में से जो मैंने अपना एलिमिनेट कर दिया है, मैंने यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली है, अब मैं यहाँ R3 की वैल्यू निकालूंगी। देखो कौन सी इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर x है नहीं है तो अब हम यहाँ से किसको एलिमिनेट करवाएंगे y को, तो मैंने क्या करा कोफिशियंट लिया y का फ्रॉम इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो ऊपर 5 का कोफिशियंट रखेंगे नीचे 4 का, यहाँ से R3 की वैल्यू क्या आई है 1 है, तो अब मैं क्या करूंगी सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट कराऊंगी 4 को, किस में से इक्वेशन नंबर 5 में से, 4 कौन सी इक्वेशन है मेरी 5 प्लस 2z इज इक्वल टू 4 और 4 इक्वेशन कौन सी है माइनस वाई माइनस जेड, अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो वाई प्लस 2z माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4 माइनस 1, यहाँ पे क्या आया 3, वाई से वाई कैंसिल, 2z प्लस जेड कितना आ गया 3z, 3 कॉमन लिया तो जेड इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1 के, वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे यहां से मैंने जेड की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं इक्वेशन वाई प्लस 2z इक्वल किस में ले रही हूँ 4 में, किसकी वैल्यू को रखूंगी जेड की, जेड की वैल्यू 1 रखी तो वाई प्लस 2 इक्वल 4, तो वाई की वैल्यू यहां से क्या आ गई
टू आ गई। अब मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन वन में पुट कर रही हूँ, जो क्या है 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल 12। एक्स की तो मुझे निकालनी है, वाई की वैल्यू मेरी कितनी आई है 2 और जेड की वैल्यू मेरी कितनी आई है 1। तो 2x प्लस 4 वन जा 4 और 2 6 इक्वल 12। तो 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 3। तो यहां से मेरा सोल्यूशन निकला इक्वेशन के लिए, x की वैल्यू मेरी 3 प्रूव हो गई, यहां से 2 प्रूव हो गई और यहां से 1 प्रूव हो गई। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट समझा दिया है, अब हम यहां पर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ताकि मैं आपको जब प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डाउट ना रहे। तो अब मैं आपको न्यूमेरिक मेथड की एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो तीन इक्वेशन है, तो मैं गिवन इक्वेशन को, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यहां पर लेके चल रही हूं। इसका मतलब क्या है, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल 5। इस इक्वेशन को क्या नाम दूंगी, नंबर 1। 2x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को क्या नाम दूंगी 2। 4x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल 3, ये इक्वेशन क्या होगी मेरी, इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से एलिमिनेट करना है x को। तो मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करना है मुझे, x कहां से, फ्रॉम इक्वेशन, इसकी हेल्प लूंगी इक्वेशन नंबर 1 की एंड इक्वेशन नंबर 2 की। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मुझे हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए x क्या, तो जब मैं पहले इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करूंगी, उस एलिमिनेट करने वाले नंबर को मैं क्या नाम दे रही हूँ, r1। तो मुझे क्या करना है, कोफिशियंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 किससे डिवाइड करूंगी, कोफिशियंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन में जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है और ऊपर भी 2 है। तो इसका मतलब जब मैंने r1 की वैल्यू निकाली, वो क्या आई है मेरी, यहां पर 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी क्या, इक्वेशन नंबर 2 को किस में से, जो मेरा r1 आया उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 में से। सॉरी यहां पर 2/2 1 आ गया, मैंने गलती से यहां पर r1 की वैल्यू को 2 लिख दिया था, यहां पर 1 आएगी। अब मेरी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये री 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2, और मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 1। 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रही हूं ना, इसलिए 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 5। अब यहां से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस का 3y क्या हो गया, माइनस का 6y, प्लस का 2z प्लस का जेड प्लस का 3z इज इक्वल टू माइनस 2, 2 में से 5 गया कितना आया, माइनस का 3। अब यहां से क्या पता लग रहा है, सब 3 के टेबल में डिविजिबल है, कॉमन ले लूंगी 3 को, तो मेरा क्या बनेगा, माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू माइनस 3। माइनस भी मैं बाहर अगले स्टेप में कॉमन लूंगी, माइनस 3 2y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 3 यहां से माइनस 3 कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, माइनस 2y अब प्लस जेड इज इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और जब मैं इस इक्वेशन को इधर लेके आऊंगी तो उसका माइनस 1। तो क्या इक्वेशन बनी, माइनस 2y प्लस जेड इक्वल माइनस 1। इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दूंगी, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं निकालूंगी इक्वेशन नंबर 5, उसके लिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट कराऊंगी, एक्स को फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में से, 1 एंड 3। तो फिर अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, r2 की, r2 की वैल्यू के लिए क्या करूंगी, कोफिशियंट ऑफ x किसका लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का लेंगे पहले, फिर उसको किससे डिवाइड कराएंगे, x के कोफिशियंट को इक्वेशन नंबर 1 में से। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 का कोफिशियंट क्या है, 4 है, और यहां पर 1 का एक कोफिशियंट 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहां से 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से r2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मैंने वहां पे r2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी, तो इस वैल्यू को मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इसको मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करवाया और यहां पर इक्वेशन 3 रखी, तो मेरी क्या वैल्यू बनेगी, 4x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 3 माइनस का 4x माइनस का 9y माइनस का 6y प्लस का 2z माइनस का
10 इज इक्वल टू 0, 4x से 4x कैंसिल, माइनस का 2y माइनस का z इज इक्वल टू माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस का तो इधर प्लस का 10 होगा, इसलिए प्लस 10 माइनस 3 तो कितना हो गया 7। अब यहां से मैंने क्या किया, माइनस का 2y माइनस का z इज इक्वल टू 7 हो गया, इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये मेरा कैसे बना, क्योंकि यहां मेरा पॉजिटिव का 10 था तो मैंने यहां पर क्या लिया, प्लस का 7 आ गया, इस प्लस के 7 को इधर लेके जाऊंगी तो ये नेगेटिव, जब इसको यहां से कॉमन लूंगी माइनस को बाहर कॉमन निकाल लूंगी तो अंदर प्लस बनेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरी क्या इक्वेशन आएगी, 2y प्लस z इक्वल 7, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब मेरी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4 अभी हमने क्या बनाई थी, इक्वेशन नंबर 4 बनी थी मेरी माइनस का 2y प्लस का z इक्वल माइनस 1, ये मेरी इक्वेशन 4 थी, और 2y प्लस z इक्वल 7, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूंगी, एलिमिनेटिंग, क्या कर रही हूँ, एलिमिनेट y को फ्रॉम 4 एंड 5, 4 एंड 5 इक्वेशन में से y को एलिमिनेट कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, r3 निकल जाएगा, r3 में क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ y फ्रॉम 5 डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ y फ्रॉम 4, तो कितना हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी उसकी, 1 आ जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगी तो यहाँ क्या बचेगा, 2y माइनस z इज इक्वल टू 1, तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे बना लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 का पॉजिटिव लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने क्या करा, r3 का कोफिशियंट मेरा कितना आया 1, वही मैं क्या करूंगी 5 इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी 5 को, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, r3 से, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2y प्लस z माइनस 7 माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y से 2y कैंसिल, z प्लस z कितना हो गया 2z, 7 में से 1 गया माइनस का 6 इक्वल 0, तो यहाँ पे 2z इक्वल 6, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3, तो मैंने z की वैल्यू क्या निकाली है, यहाँ पर 3 निकाली। अब मैं निकालूंगी x की और y की, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ले रही हूं मैं, 5 इक्वेशन ले रही हूं, जो मेरी क्या है 2y प्लस z इक्वल 7, इसमें मैं z की वैल्यू को 3 पुट कर रही हूं, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, यहां से मैंने z की वैल्यू निकाली 3 और y की वैल्यू आई 2, इन दोनों वैल्यूज को जब मैं पुट करूंगी x के अंदर तो मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 इक्वेशन क्या है मेरी, 2x प्लस 6 माइनस 3 इक्वल 5, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या पता लगा, पहले हमने दो इक्वेशन ली, उनमें से मैंने क्या करा, x1 r1 और r2 में क्या करा, x1 को एलिमिनेट कराया, फिर जो मैंने थर्ड इक्वेशन ली थी उसमें से मैंने क्या करा, y को एलिमिनेट कराया, उसके बाद जो मेरी वैल्यू आई उससे मेरी एक वैल्यू निकल आई थी z की, z से मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू निकाली थी, ये थी मेरी 2, और उसके बाद मैंने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली, x की। ठीक है स्टूडेंट, एक अगर आपको नीड होगी, किसी बच्चों को समझ में नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में राइट कर दे, एंड प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।